देखिए, ये क्षेत्रीय असंतुलता का बात है और इसमें फेडरल स्ट्रक्चर के तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बहुत साफ है। किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। जिले की बाउंड्री डिफाइंड है और इसमें किसी को कुछ सवाल जवाब करने हैं तो वो माननीय न्यायालय के शरण में जाए, वही बेहतर रहेगा। भावनाओं को भड़का के एक अव्यवस्था क्रिएट करने की जो एक कांग्रेसी कोशिश है, जानबूझ के महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो उत्पन्न की जा रही है भावनाओं को भड़का के, ये नहीं करना चाहिए। येदियुरप्पा ने कहा कि सब बयानबाजी बंद होनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं कि भावनाओं को भड़का के दो राज्यों के बीच में संबंधों को खराब करना और लोगों के बीच में गुस्सा और नफरत फैलाना, ये किसी राज्य सरकार को शोभा नहीं देता। ये ट्विटर से बार बार गलती क्यों हो रही है? ट्विटर का नाम ही है चींची, तो चींची से अक्सर गलती होते रहती है। माफी भी मांगी नक्शे बोले। वही कह रहा हूँ, चींची से अक्सर गलती होती रहती है, लेकिन कृपया करके चींची साहब नक्शा उक्शा भारत का गलत मत किया कीजिए। पीछे तमाम ने कहा है कि मुझे ज्यादा चिंता है कि जिस तरह से गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक बाईपोल के नतीजे आए हैं। पी चिदम्बरम क्या, सारे कांग्रेसियों को चिंता है कि जब तक राहुल गांधी टॉप पे बने रहेंगे कांग्रेस कैसी तरह नाश होते रहेगा। अब खुल के नहीं बोल रहे, नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत जल्दी नाम लेना शुरू कर देंगे ये लोग। गांधी परिवार से मुक्ति, तभी कांग्रेस को मोक्ष की प्राप्ति होगी। वेस्ट बंगाल में फिर एक बीजेपी के वर्कर कांड डोरी मिला है। देखिए, ये बहुत संज्ञान लेने की बात है। ये केंद्र सरकार संज्ञान ले, गवर्नर ऑलरेडी रिकमेंड कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन बिल्कुल लग जाना चाहिए। वहां के हालात बिल्कुल खराब है, विस्फोटक है। ममता बनर्जी ने तो पत्र लिखा है नरेंद्र मोदी को कि 23 जनवरी जो सुभाष चंद्र बोस का बस में सके उसको राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दिया जाए, वहाँ छुट्टी दिया जा सकता है। अच्छी बात है, पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री बिल्कुल विचार करेंगे। ये काउ कैबिनेट बनाने का एक फैसला हुआ मध्य प्रदेश सरकार का। अब मध्य प्रदेश सरकार पता नहीं क्या करेगी, काउ कैबिनेट मुझे समझ में नहीं आता है। खैर, उसके लिए उनको बधाई और शुभकामना। इब्राहिम कुंजू जो फॉर्मर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं केरला के, उनकी गिरफ्तारी हुई है एक मामले में, ग्राफ्ट केस, फ्लावर ग्राफ्ट केस के मामले में। देखिए, कानून को जो भी हाथ में लेगा, चाहे वो फॉर्मर मिनिस्टर हो चाहे करंट मिनिस्टर हो, वो बचना नहीं चाहिए। देश का कानून है, अपना काम कर रहा है। बिहार का कानून क्या है? बिहार का कानून अपना काम कर रहा है। मेवालाल चौधरी, मेवालाल चौधरी कोई अक्यूज्ड अभी, उनको कोई सजा नहीं हुई है। वाइस चांसलर थे, इसीलिए जिम्मेदारी उनकी बनती है, उस पर अनुसंधान चल रहा है।